ध्यान के बारे में अलग अलग विधि प्रचलित है। हम जो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है साक्षी भाव की, साक्षी भाव की प्रैक्टिस कर रहे हैं, दृष्टा भाव की। भगवान ने ह्यूमन बीइंग को जन्म से हमको बहुत सारी एबिलिटी दी है, जैसे हमारे पास बोलने की एबिलिटी है, चलने की एबिलिटी है, और कुछ कुछ लोग जो भगवान ने दी हुई एबिलिटी है उसको ज्यादा डेवलप करते हैं प्रैक्टिस करके। जैसे गाना सभी गा सकते हैं, गाना गाने की एबिलिटी बहुत सब सबको है, लेकिन कुछ लोग गाना गाने को प्रैक्टिस करते हैं, रियाज करते हैं, म्यूजिक का गाने का रियाज करते हैं, तो उनका वॉइस जो है वो ट्रेंड हो जाता है। डांस सब लोग कर सकते हैं, अभी दशहरा के दिन चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग डांस की प्रैक्टिस करते हैं। तो जो लोग प्रैक्टिस करेंगे वो लोग वो क्षेत्र में ज्यादा डेवलप हो जाएंगे। वैसे ध्यान जैसे वॉइस होता है ना, वॉइस है ना अभी मेरा, तो हम लोग वॉइस को एक्सपांड कर सकते हैं, लाउड कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी बोल सकता हूँ, धीरे धीरे बोल सकता हूँ। वैसे वॉइस को हम लोग अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। वैसे जो हमारा अटेंशन है, ध्यान जो, उसको भी हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे ध्यान है, कहाँ देंगे हम? अभी आप यहाँ पे है ये सेशन में, तो आप मेरे पे ध्यान दे सकते हैं, या आपका ध्यान कहीं दूसरी जगह पे है, घर में कुछ काम चल रहा है उस पर ध्यान चल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है, उस पर ध्यान दें। तो ध्यान या तो आप कहाँ देंगे, लोकेशन ऑफ अटेंशन वो आपके हाथ में। दूसरा, आप ध्यान जो है वो कौन से टाइम पे देंगे, टेम्पोरालिटी, या तो फ्यूचर पे ध्यान दे सकते हैं, या पास्ट पे दे सकते हैं, या अभी वर्तमान के, तो एक लोकेशन पे दे सकते हैं, एक टाइम के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, और एक इंटेंसिटी, कितना ध्यान देंगे, कितना केयरफुल ध्यान देंगे। जैसे लोकल ट्रेन में बोरीवली से चर्चगेट जो जाते हैं ना लोग, तो वो खेलते हैं ताश खेलते हैं, तो समझ लीजिए ताश खेल रहे हैं, 5 रुपया दाव पे लगाए, तो ऐसे ही खेल रहे। कभी ताश पे ध्यान है, कभी कुछ स्टेशन के बाहर ध्यान है, इधर उधर ध्यान होता है, 5 रुपया लगाए। अभी कल को उसने दाव पे लगा दिया पूरा अपना घर, ज्वेलरी, ऑफिस, बिजनेस, करोड़ों लगा दिए वो ताश के जुए पे, तो एकदम पूरा ध्यान, अभी पूरा ध्यान उसके पे ही रहेगा, तो इंटेंसिटी ऑफ अटेंशन वो बढ़ जाएगा। अभी आप यहाँ पे आ गए, अभी आप ये भावना चाहे कि ये आने वाले 45 मिनट्स में आप नए एक्सपांडेड लेवल ऑफ पीस और जॉय उसको पा लेंगे, ये भावना से आएंगे, ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, ये 45 मिनट्स आपके पूरे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट 45 मिनट्स, ये भावना से आ गया। क्योंकि हमारे साकार ट्रस्ट में मिशन ही है, विजन है कि हर एक व्यक्ति को आनंद की और गहरी अनुभूति हो जाए और अभिव्यक्ति कर सके। तो आनंद की गहरी अनुभूति आपको 45 मिनट्स में हो जाएगी। सबने आप आनंद की अनुभूति तो करते ही हैं, गहरे आनंद, स्वतंत्र आनंद, किसी पे डिपेंडेंट नहीं, वो अनुभूति आपको हो जाएगी, उसका रास्ता खुल जाएगा। इस भावना से आपने ये सेशन में 45 मिनट्स आगे, आपके पूरे जीवन का आधार ये है।
ये सोच लिया आपने तो ध्यान इंटेंसिटी हो जाएगी। तो ध्यान में लोकेशन, टाइम, इंटेंसिटी, इसको आप चेंज कर सकते हैं आपके कंट्रोल में। एक चीज है कंट्रोल में जो उसको हम यूज नहीं करते, जैसे गाड़ी में होता है ना बहुत सारे फीचर होते हैं, आईफोन में भी बहुत सारे फीचर होते हैं, लेकिन हमको ज्यादा फीचर मालूम नहीं, हमको एक एक दो ही फीचर मालूम होते हैं। नया कोई भी इक्विपमेंट होता है ना, टीवी, गाड़ी, नया, उसके सब फीचर हम यूज नहीं करते। तो ध्यान के ये फीचर हम यूज करते हैं, कहाँ ध्यान देने का, इधर नहीं उधर, दो पास्ट में नहीं फ्यूचर पे, दो एकदम इंटेंसिटी से ध्यान दो, ये फीचर हम यूज करते हैं ध्यान के। एक फीचर हम यूज नहीं करते उसके हमको मालूम ही नहीं कैसे यूज करने का, वो है दृष्टा भाव। आप ध्यान को विड्रॉ कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, बहुत बड़ा पावर पूरे संसार से, हर जगह से आप ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ध्यान पूरा विड्रॉ हो गया, आपके भीतर आ गया। फिर और ध्यान के ऊपर ध्यान दे सकते हैं कि मेरा ध्यान किधर जा रहा है। आपका जहां ध्यान होगा ना, वहां वैसा आपको जीवन का अनुभव मिलेगा। इंडिया में रहने के, अमेरिका में रहो, मुंबई में रहो, इधर रहो उधर रहो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ध्यान किधर है आपका? तो ध्यान कहीं पे चिटक गया आपका, चिटक गया मतलब वही विचार आती, तो वो विड्रॉ करके किधर आपको ध्यान लगाना है, ये एबिलिटी आपको आपके पास है, तो उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। कैसे प्रैक्टिस करेंगे कि हम ध्यान को पहले थोड़ा सा ब्रीदिंग पे ध्यान देंगे। जैसे ब्रीदिंग पे ध्यान देंगे ना, फोकस करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपका मन शांत हो जाएगा, शरीर भी रिलैक्स हो जाएगा एकदम। यू विल फील पीसफुल, यू विल फील रियली रियली पीसफुल। अभी जब आप पीसफुल हो गए तो आप ऐसे नहीं सोचेंगे, अरे वाह मैं तो पीसफुल हो गया, मैं तो भगवान बुद्ध हो गया, मैं तो मुक्त हो गया, मेरा मोक्ष हो गया, ऐसे नहीं। पीसफुल का अनुभव है तो उसको साक्षी भाव से देख लेंगे, या अभी पीस का अनुभव, शांति का अनुभव, इसमें कुछ भला बुरा कुछ नहीं है। फिर समझ लीजिए कुछ विचार आने लगे, विचार आने लगे तो उसको भी साक्षी भाव से देखेंगे, आ रहे क्या कर सकते हैं, विचार आ रहे। कभी रेलवे स्टेशन होता है ना, कभी बहुत सारा लोग आ जाते हैं, कभी कोई नहीं है, तो उसको देखेंगे। ऐसा 45 मिनट तक प्रैक्टिस करेंगे, जो हो रहा है शरीर को देखेंगे, शरीर के ऊपर कुछ वाइब्रेशन हो रहे हैं, कुछ शरीर के ऊपर स्ट्रेन है, स्ट्रेस है, तो देखेंगे, चेंज नहीं करेंगे कुछ, सिर्फ देखेंगे। ये प्रैक्टिस करेंगे 45 मिनट तक प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम आप देखेंगे 45 मिनट में तो एक ध्यान के, सॉरी आनंद के नए लेवल को आप पालेंगे, गहराई को। फिर क्या करेंगे, फिर हम ऐसी भावना करेंगे कि आप, हम सब भाग्यशाली, 45 मिनट शांति से बैठ के आनंद के नए लेवल को पा सकते हैं और हम भाग्यशाली। दशहरा के शुभ दिन पे आपने आनंद के इस अनुभव को पा लिया, परम भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, बहुत सौभाग्यशाली है हम सब। तो हम प्रार्थना करेंगे कि ये 750 करोड़ लोग आज दुनिया में रहते हैं, बहुत कम ऐसे सौभाग्यशाली है जो बैठ के 45 मिनट अपने भीतर के परम आनंद को पा सकते हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे ये मौका सबको मिले। जैसे वो बोला था ना,
भारत की आजादी में कि इंडिपेंडेंस इज माई बर्थ राइट, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसी को देने की जरूरत नहीं है, मेरा जन्म से अधिकार है कि मैं मुक्त हूँ। ऐसे जन्म से सबका अधिकार है तो वो आनंद को पा सके, तो हम ऐसी प्रार्थना करेंगे सबको आनंद मिले, सबको आनंद की अनुभूति मिले। तो हम लोग अभी ध्यान के लिए बैठ जाएंगे, हम लोग